लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ हुनमुन रहमान। कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस दौरान कई तरह की तस्वीरें भी देखने को मिली है। इस दौरान कई तरह के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक कुर्ता पजामा पहने दाढ़ी टोपी वाला मुस्लिम युवक जो है वो अपनी मोटरसाइकिल पर कांवड़ियों को लिफ्ट दे रहा है, यानी कि कांवड़ियों की मदद कर रहा है। इसका वीडियो किसी ने बनाया और उसके बाद इस वीडियो को वायरल कर दिया। इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो इस वीडियो की तारीफ कर रहा है और इसी के साथ ये भी कह रहा है कि देश में भाईचारे को कोई नहीं तोड़ सकता। कुछ चंद लोग जो हमारे बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन भाईचारे को खत्म नहीं कर सकते। ये वीडियो दोस्तों उन तमाम नफरतबाजों के मुंह पर तमाचा है जो हर वक्त हर समय हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। एक मोटरसाइकिल पर एक मुस्लिम युवक जिसने कुर्ता पजामा पहना है, दाढ़ी टोपी है और वो कांवड़ियों को लिफ्ट दे रहा है, यानी कि अपनी मोटरसाइकिल पर दो कांवड़ियों की मदद कर रहा है, उन्हें कहीं लेकर जा रहा है, जिसका वीडियो किसी ने बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो जमकर अब वायरल हो रहा है। आपको सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है। अशरफ हुसैन इस वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि कांवड़ियों को अपनी बाइक पर लिफ्ट देते मुस्लिम शख्स, वीडियो वायरल। तो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वीडियो को खूब देखा जा रहा है और चारों तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाईचारे की एक और मिसाल जो है वो पेश की गई है। आप भी देखिए ये वीडियो जिसमें कुर्ता पजामा पहने दाढ़ी टोपी वाला ये मुस्लिम युवक कांवड़ियों को लिफ्ट दे रहा है अपनी बाइक पर। देखिए वीडियो। तो वीडियो आपने देखा किस तरीके से वीडियो जो है, जिस वक्त इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लगातार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, उन्हें गालियां दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि अब ये ट्रेंड चल गया है कि उनको खाली करने का, राज्य खाली करने का, अपने घर मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है, जैसा कि आपने उत्तराखंड और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखा। इन सब तस्वीरों के बावजूद भी किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो दिल को खुश कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है वो किसी के लिए भी कोई भी नफरत नहीं है। वहीं जो दूसरी तरफ हिंदू हैं उनके दिल में भी किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। ये सिर्फ कुछ चंद लोग ही हैं जो अपनी राजनीति करने के लिए, अपने घर भरने के लिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सदफ़ आफरीन भी शेयर करती हैं। यहाँ पर वो लिखती हैं कि दो कांवड़ियों को एक दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा पहने युवक अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहा है। ये वीडियो उन नफरत बाजों के मुंह पर तमाचा है जो दिन रात नफरत फैलाते हैं। वाकई ये वीडियो उन नफरत बाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारती है जो दिन रात नफरत फैलाने का काम करते हैं, मुसलमानों के लिए जो है अलग अलग तरह की बातें करते हैं और दूसरे धर्मों के लोगों को भी प्रोवोक करते हैं, यानी कि उकसाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान कई तरह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई। इस दौरान कांवड़ियों का हुड़दंग देखने को भी मिला। हरिद्वार से एक वीडियो सामने आया, एक मामला सामने आया जिसमें कई सारे कांवड़ियों ने एक मुस्लिम दंपत्ति को घेर कर उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इसकी बेहद जो है वो चारों तरफ से इसकी निंदा की जाने लगी। आप अपनी स्क्रीन पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का ट्वीट देख सकते हैं। इसमें वीडियो शेयर करके लिखा गया है कि अब भी आप इनको गुंडे नहीं कहेंगे। ये वही हरिद्वार वाले कांवड़िए हैं जिन्होंने एक दंपत्ति को गाड़ी से जबरन निकाला और फिर उनके साथ बदतमीजी की। बाकी आप खुद देख लीजिए, अगर सरकार इन गुंडों की शिनाख्त करके जेल में नहीं डालती है तो फिर समझिए देश की दुर्दशा तय है, देश की जो दुर्दशा है वो तय है। तो इसमें इस वीडियो में जो है कुछ कांवड़िए मुस्लिम दंपत्ति को घेर लेते हैं और उसके बाद उनकी गाड़ी को पलट देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम कर रहे हैं और इनमें कई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पुनीत कुमार सिंह भी एक वीडियो यहाँ पर शेयर करते हैं और लिखते हैं कि शिव को मानने वाले ऐसी हुड़दंगी कैसे
कर सकते हैं। हरिद्वार के मंगलोर मंडी के पास कार बैक करते हुए कांवड़ियों से टकरा गई। इसके बाद कांवड़ियों ने कार को जो है वो पलट दिया। कार चलाने वाला मुस्लिम था, कार में उसकी फैमिली भी थी और कार पलटते वक्त वहां मौजूद पुलिस क्या कर रही थी? कुछ लोगों का कहना है कि कांवड़िया ले जाते वक्त किसी चीज़ को छू नहीं सकते, तब वो जितने लोगों ने बवाल काटा, कार को धकेला, वो भी अशुद्ध हो गए होंगे और कार उन सब से तो नहीं टकराई थी। तो आप इस तरह की तस्वीरें जो हैं, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का हुड़दंग या इस तरह का हंगामा आप देख रहे हैं। इससे पहले भी जितनी बार भी कांवड़ यात्रा होती है, कुछ इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। इस तरह का हंगामा देखने को मिलता है जहां पर इसी तरह से जो है वो बवाल सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, ये एक तरह से उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों को लेकर हेट स्पीच दी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी बाकायदा उन्हें वहां से अपने घर दुकान खाली करके भागने की। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से आसमानी आफत आई और उसके बाद वहां पर किसी का भी कोई भी ठिकाना नहीं है। जो लोग मुसलमानों को कह रहे थे कि वो यहां से घर खाली करके चले जाएं, उन्हीं के घर का कोई ठिकाना नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ चंद लोग जो हैं हमारे बीच, वो अपना फायदा करने के लिए, अपने घरों को भरने के लिए, अपना एजेंडे को पूरा करने के लिए हिंदू मुस्लिम में फूट डालते हैं। हालांकि इससे पहले भी जब भी कांवड़ यात्रा हुई है तो मुसलमानों ने कांवड़ियों का दिल से स्वागत किया है। कई तस्वीरें आपने देखी हैं जिसमें मुसलमान जो हैं वो शिव भक्तों का स्वागत करते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा क्योंकि बहुत लंबी होती है तो रास्ते में जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी मदद करते हैं, पानी, जूस, केला, फल फ्रूट जो होते हैं उन्हें खिलाने का काम भी करते हैं और उनकी सेवा करते हुए भी नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं नफरत बाजों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारती हैं, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच फैला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो भाईचारा निभाने से पीछे नहीं हटते हैं। और एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें कुर्ता पजामा पहने ये मुस्लिम युवक, जिसकी दाढ़ी भी है, जिसने टोपी भी लगा रखी है, वो अपनी बाइक पर, अपनी मोटरसाइकिल पर दो कांवड़ियों की मदद कर रहा है और उन्हें लिफ्ट दे रहा है। आप समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जाती है, उनके खिलाफ खुले मंचों से धमकियां दी जाती हैं, उनकी समाज के बारे में, उनकी महिलाओं के बारे में भी उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, तरह तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ कहीं भी किसी की मदद करनी होती है वो उसका धर्म नहीं देखते। उस मुस्लिम युवक ने भी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाते हुए, लिफ्ट देते हुए उन कांवड़ियों का धर्म नहीं देखा, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। The Life TV, सच सबसे आगे।